दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राजेंद्र साहू। आई एम कंसल्टेंट पेन स्पेशलिस्ट एट किम्स हॉस्पिटल एंड न्यूरॉन पेन क्लिनिक भुवनेश्वर। आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल न्यूरॉन पेन क्लिनिक में स्वागत है। एक बहुत कॉमन समस्या होता है एल्बो पेन, और उसमें से वेरी कॉमनली दैट इज सीन इज कॉल्ड टेनिस एल्बो। हमारे देश की महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, उनको भी हुआ था ये टेनिस एल्बो। उनको काफ़ी महीनों तक ये परेशान किया था टेनिस एल्बो। तो आइए जानते हैं टेनिस एल्बो क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है और क्या ट्रीटमेंट है। ओके, सो टेनिस एल्बो इज बेसिकली ए मसल और टेंडन का डिजीज है। तो जो टेनिस एल्बो होता है उसमें पेन ये आउटर पार्ट, ये हमारा एल्बो जॉइंट का आउटर साइड, ये इनर साइड नहीं है, आउटर साइड, यहाँ पेन होता है, ये एरिया में पेन होता है। क्यों टेनिस एल्बो कहा जाता है उसको? क्योंकि वेरी कॉमनली टेनिस प्लेयर को जाता है, जो ऐसा मूवमेंट्स कॉमनली होता है, एक्टिविटीज, तो यहाँ होता है। तो यहाँ क्या होता है, एक बोन होता है, आउटर बोन, उसको बोलते हैं लैटरल एपिकंडाइल। यहाँ से जो मसल आते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल, एक्सटेंड करते हैं। ओके, सो दिस इज फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ, फ्लेक्स करते हैं। सो ये जो एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल का ओरिजिन यहाँ से निकलता है। मसल क्या होता है ना, एक छोटा फाइबर होके निकलते हैं बोन से, एक कॉमन एक्सटेंशन ओरिजिन, स्मॉल टेंडिनस ओरिजिन, यहीं से आता है और ये जाता है। तो ये एरिया में पेन होता है। किसको होता है फिर ये पेन? जो लोग रिपीटेड एक्टिविटी इन्वॉल्विंग दिस मसल, लाइक प्लम्बर, लाइक जो राजमिस्त्री होते हैं, यू नो, काइंड ऑफ डज ऑल दोज कंस्ट्रक्शन वर्क, स्पोर्ट्स पर्सन्स, यू नो, टेनिस एल्बो, बैडमिंटन प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स, सो रिपीटेटिव एक्टिविटी, लेबरर्स, जो रिपीटेटिव एक्टिविटी जिससे लेके ये ग्रुप ऑफ मसल में स्ट्रेन और स्ट्रेस रहता है। तो जो कॉमन एक्सटेंसर का ओरिजिन होता है वहाँ से स्मॉल माइक्रो टीयर, माइक्रो मीन्स टीयर मतलब तो बहुत जोर से फट गया, आपको सामने से आंख से दिखेगा, यू कैन सी दैट थ्रू योर नेकेड आई, बट माइक्रो टीयर मीन्स यू कैन सी दैट थ्रू ए माइक्रोस्कोप। स्मॉल माइक्रो टीयर होता है एंड देन सब्सिक्वेंटली चेंजेस हैपन इन दैट कॉमन एक्सटेंसर मसल के ओरिजिन में, फाइब्रोब्लास्ट डीजनरेशन, कोलाजेन, जो एक फाइबर होता है उसके चेंजेस आता है, डिफरेंट कोलाजेन डिप्लीशन होता है, सो लीडिंग टू पेन। तो पेन कब ये होता है आपको? यूजुअली रेस्ट में यहाँ पेन नहीं होता है, एक्टिविटी में पेन होता है। जैसे लोग आते हैं, यू नो, दोज हु वर्कर्स, प्लम्बर से लेके राजमिस्त्री लेके स्पोर्ट्स पर्सन लेके, द मोमेंट दे ट्राई टू डू द वर्क, रिपीटेटिव स्ट्रेसफुल वर्क, या तो फिर लेडीज फीमेल्स होम मेकर्स जिनको ये पेन हुआ है, तो मानते हैं उनको जैसे घर का काम, बर्तन करने से, आटा बुनने से, यू नो, दे ट्राई टू डू ऑल दोज एक्टिविटीज, वेजिटेबल, यू नो, क्लीनिंग द हाउस, तो फिर पेन चालू होता है और बढ़ता है। इफ़ यू गिव रेस्ट, काम ना करो, फाइन, परफेक्टली फाइन, बिकॉज ये जो इरिटेशन जो ओरिजिन से होता नहीं, सो दैट इज कॉल्ड टेनिस एल्बो और लैटरल एपिकंडाइलोसिस, व्हिच इज ए रिपीटेटिव वेयर एंड टीयर, स्ट्रेस रिलेटेड वेयर एंड टीयर होता है मसल टेंडन की ओरिजिन से। तो उसको वही डायग्नोज करना इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, पेन हिस्ट्री, यहीं पर पेन होता है, कुछ प्रोवोकेटिव टेस्ट से पता चलता है। लॉट ऑफ टाइम सिमिलर कंडीशन यहीं पे कभी पेन हो सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक नर्व दबने से हो सकता है पेन, यहाँ का जॉइंट का कुछ प्रॉब्लम होने से, तो ब्लड टेस्ट, एक्सरे काफ़ी हद तक, इन स्मॉल फ्रैक्चर, माइक्रो फ्रैक्चर होता है, कैल्सिफिकेशन। इन रिसेंट टाइम्स अल्ट्रासाउंड, जैसे हम लोग को क्लिनिक में पेशेंट आता है, इमीडिएटली पुट अल्ट्रासाउंड स्कैन दैट एरिया, नो आई कैन रूल आउट मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जॉइंट पैथोलॉजी, नर्व कंप्रेशन, वन ऑफ द वेरी कॉमन नर्व इन द विसिनिटी कॉल्ड पोस्टीरियर इंटरोसियस नर्व, कभी नर्व कंप्रेशन से हो सकता है, उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंट होता है, बट ये एरिया जैसे कॉमनली होता है, इट कैन बी समटाइम्स कन्फ्यूजिंग ऑल्सो। सो इन द वेरी बिगिनिंग अल्ट्रासाउंड काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है एंड डायग्नोसिस कन्फर्म हो जाता है, बिकॉज जो मसल का ओरिजिन होता है ये एपिकंडाइल से, कंपेयर टू द अदर साइड, यहाँ पे डिफरेंट रहता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है, बिकॉज आई टोल्ड यू दिस इज ए रिपीटेटिव एक्टिविटी से होता है, स्ट्रेट, आप रिपीटेटिव काम किए, खेले, तो स्टॉप दोज एक्टिविटीज, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन नंबर वन। जो जो काम करने से आपको
पेन होता है, स्टॉप दिस. बट देन सम पीपल दे फाइंड इट डिफिकल्ट. मान लीजिए जो डेली एज वर्कर्स है, नो प्लम्बर से लेके यू नो दिस राजमिस्त्री वगैरह लोग, नो दे कैन नॉट स्टॉप वर्किंग एवरी डे, यू नो उनको वही दिक्कत है ना, दे कैन डू इट फॉर फ्यू डेज. तो बट देन सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, हीट एप्लीकेशन. इनिशियली कोल्ड या लेटर हीट एप्लीकेशन ऑल्सो रिलैक्सेस द मसल्स, इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो, दैट हेल्प्स इन लॉट ऑफ पेन एलिविएशन. टॉपिकल क्रीम, टॉपिकल एप्लीकेशन. समटाइम्स वी प्रोवाइड ए ब्रेस ओवर हियर, यू नो जो क्या होता है, जो कॉमन एक्सटेंशन का मसल का ऑरिजिन होता है, उसको एक्टिविटीज़ को, जो रिपीटेटिव स्ट्रेस को कम करता है ब्रेस. सो दीज आर द थिंग्स इनिशियली हेल्प इन काइंड ऑफ कमिंग डाउन व्हाट वी कॉल्स ए लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन. द नेक्स्ट, सम ऑफ दिस पेन किलर्स लाइक पैरास्टामॉल, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन दैट ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग पेन एंड गोज ए लॉन्ग वे. थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ऑफ दिस मसल्स. मेरा भी एक और वीडियो है टेनिस एल्बो को लेकर, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज. आप उसमें 4-5 डिफरेंट एक्सरसाइज बताइए. लॉट ऑफ पेशेंट दे फाइंड इट वेरी यूजफुल, स्पेसिफिकली इफ यू कंबाइन दैट विथ रेस्ट, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, मेडिसिन एंड एक्सरसाइज. रेस्ट, जो रिपीटेटिव स्ट्रेस से पेन होता है, जो ट्रिगर है वो पहले तो बंद करना रहता है फर्स्ट फ्यू वीक्स, एंड दिस एक्सरसाइज गोज ए लॉन्ग वे. अगर ये तीनों करने से पेन फिर भी परसिस्टेंट है, देन द नेक्स्ट एंड बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट इज PRP इंजेक्शन, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा. मतलब आपका खुद का ब्लड लेके, आपका खुद का ब्लड, हम लोग कुछ ml ब्लड लेते हैं एक ट्यूब से, मशीन से सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसका ब्लड नीचे बैठ जाता है और जो प्लाज्मा आता है ऊपर, वो प्लाज्मा को लेके हम लोग यहीं पे देते हैं जहाँ पे, और जो कॉमन एक्सटेंशन, जो मसल का ओरिजिन है, जहाँ पर ईयर एंड टीयर होके थिक हो गया है या तो फिर चेंजेस आए हैं, उसके अंदर देते हैं. उसका काफ़ी हीलिंग कैपेसिटी है, उसमें लॉट ऑफ प्लेटलेट है, 4-5 टाइम्स मोर देन द नॉर्मल प्लेटलेट, दैट कॉजेस हीलिंग. योर ओन ब्लड से हीलिंग करते, जहाँ पे चेंजेस हुआ है, इन्फ्लामेशन टीयर हुआ है, नया टिश्यू बनता है. दैट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर योर टेनिस एल्बो. काफ़ी बार बाहर में पेशेंट यहाँ पे स्टीरॉयड इंजेक्शन देते हैं. स्टीरॉयड इंजेक्शन भी काम करता है इनिशियल स्टेज में, बट देन एज आई हैव टोल्ड अर्लियर वीडियोज ऑल्सो, ऑल दिज इंजेक्शंस मस्ट बी डन अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, बिकॉज इन अल्ट्रासाउंड वी कैन सी दैट कॉमन एक्सटेंशन, दैट मसल का ओरिजिन. तो ये दो डिफरेंस है सटल बिटवीन द स्टीरॉयड एंड PRP. स्टीरॉयड जो देना है वो टेंडन के नीचे देना है, टेंडन के अंदर नहीं देना है. टेंडन के अंदर देने से रप्चर होने की संभावना बढ़ता है, रिस्क बढ़ता है, पेन बढ़ जाता है. तो आप सही जगह पे दे रहे हैं कैसे पता चलेगा, अगर बिना मशीन से, बिना अल्ट्रासाउंड से करते, जो ब्लाइंड इंजेक्शन, यू डोंट सी इट वेयर द मेडिकेशन इज गोइंग. सो स्टीरॉयड करना है, इनिशियल काम करता है, रैपिडली पेन कम होता है, बट अल्ट्रासाउंड इज द की. सो गो टू ए डॉक्टर हु डज दिस अल्ट्रासाउंड गाइडेड, दैट इज द बेस्ट एक्चुअली. और जब तक, जहाँ तक ये PRP या प्लाज्मा इंजेक्शन की सवाल आया, वो हम लोग ओ टेंडन के अंदर देते, जहाँ हीलिंग करके नया टिश्यू बनाता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, मेडिसिन एंड PRP ऑलमोस्ट क्योर हो जाता है मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स. रेयरली पेशेंट को सर्जरी लगता है. वो जो कॉमन एक्सटेंशन टेंडन आता है, बोन का डिब्राइडमेंट, सुचरिंग वगैरह, यू नो रेयरली ऑपरेशन लगता है. जिनको काफ़ी सीवियर रिकल्सिट्रेंट फॉर्म हुआ है, उनको ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकता है. सो आई होप दैट वॉज हेल्पफुल टू यू गाइज. थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस video. I hope you like it, you find it useful in your day-to-day life, you can share among your friends. Thanks again. Keep watching my YouTube channel Neuron Pain Clinic. Subscribe and forward to your friends.